काउंटर कहाँ है, जवाब कहाँ है? काएं काएं करना बंद कर दे कौवे की तरह, ये रहा जवाब। खतरनाक जॉर्ज सोरस, जिनके बारे में इतनी कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाई जाती हैं, इनके बीजेपी के साथ मैंने डायरेक्ट लिंक्स दिखा दिए। लेकिन एल्विश ने जो लिंक बताया हर्ष मंदर का मेरे साथ, आप भी सुनकर चौंक जाएंगे कि कोई इस लेवल का बेवकूफ कैसे हो सकता है। वैसे मुझे तो लगता है ये खुद ही इतना बेवकूफ है क्योंकि इसने ये भी नहीं नोटिस किया कि ये वाला जो आदिल अमन था जो मेरे फेसबुक ग्रुप में था, उसके नाम की स्पेलिंग अलग थी और इस वाले आदिल अमन के नाम की स्पेलिंग अलग है। ऑलरेडी तेरे ऊपर इतने सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जमानत पर तू बाहर है, और फिर वीडियो में ऐसी आकर बकवास करता है कि और तेरे ऊपर कोर्ट केसेस आ जाए। नमस्कार दोस्तों, कभी बिटोड़ा देखा है आपने? ये चीज, इसमें गोबर के बने हुए उपले रखे जाते हैं। हरियाणवी में एक कहावत है कि बिटोड़े के मुंह से उपले ही निकलेंगे। अभी कुछ हफ्ते पहले किसी दोस्त ने मुझे कहा कि एल्विश यादव ने मेरे ऊपर एक वीडियो बनाया है, मेरा क्या कहना है उस वीडियो को लेकर। मैंने कहा भाई क्या यार, क्या उम्मीद करते हो, बिटोड़े के मुंह से उपले ही निकलेंगे। अब वैसे तो दोस्तों इन गोदी यूट्यूबर्स का एक पूरा झुंड बैठा है जिसने पिछले कुछ महीनों में मेरे ऊपर एक से बढ़कर एक हमले करने की कोशिश करी है। कोई मुझे कभी कुत्ता कहता है, कोई कॉकरोच कहता है, कोई कहता है कि मेरी वाइफ पाकिस्तानी है, तो कोई मुझे बुली कहता है। लेकिन इन सभी में से एल्विश सही मायनों में इन बेवकूफों का सरदार है, क्योंकि जितनी अनाप शनाप बातें इसने अपने वीडियो में करी ना मेरे बारे में, जितने दुनिया भर के झूठ इसने फैलाए उतने शायद ही किसी ने फैलाए। इसने मुझ पर जो वीडियो बनाई उसका कई सारे यूट्यूबर्स ऑलरेडी काउंटर कर चुके हैं। जिन्होंने भगवा रंग पहन रखा वो छपरी है कि सब छपरी है, ये जितने भी ये सैफरन गमछा ओढ़ते हैं। अरे एल्विश भाई, ध्रुव राठी ने ये कहीं नहीं कहा कि जो भगवा रंग पहनता है वो छपरी है, बल्कि वो लोग जो भगवा रंग पहन के मस्जिद के सामने जाकर हाथों में तलवार लेके घूमते हैं, वो लोग जो भगवा रंग पहन के राम का नाम खराब करते हैं, वो छपरी हैं। इसे बोलते हैं भाई साहब ब्रेन वॉशिंग। किस चीज का सिस्टम है, बच्चे बिगाड़ने का, गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करने का, या फिर भांग पीकर वीडियो बनाने का, बियर पीकर वीडियो बनाने का, माहौल खराब करने का, आखिर किस चीज का सिस्टम? किसी भी चीज को यहाँ से वहाँ जोड़ दिया, कभी बोला कुछ, दिखाया कुछ, कभी तो बोलना ही नहीं आया ढंग से। हर्ष मंदार कह लो या फिर हर्ष मंदर कह लो, जो भी है। तो दिस इज एन इंटरव्यू ऑफ हरमंदर सिंह। हरमंदर सिंह हर्ष मंदार नहीं है, इज अ डिफरेंट गाय। अब जस्ट बिकॉज उनके नाम सिमिलर है तो इसने उन्हीं का आर्टिकल दिखा दिया, मतलब हद होती है यार। अब इस बात का कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है कि हर्ष मंदर और ध्रुव राठी डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, लेकिन एक स्पेकुलेशन के आधार पे और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के आधार पे इस बात को इतने कॉन्फिडेंस से बता दिया जाता है। जो व्यक्ति गाली देता था वो व्यक्ति ने इस वीडियो में गाली नहीं दी, खुद ही बोला नहीं दे पाऊंगा, क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने सुधारा है उसको। ये है पढ़े लिखे यूट्यूबर्स का फर्क। जब छपरियों का सरदार गाली देना बंद कर सकता है इस व्यक्ति के वीडियो की वजह से, तो फिर इसके जो गुलाम हैं वो क्यों नहीं गाली देना बंद करेंगे? इतनी बेइज्जती होने के बाद भी एल्विश का मन नहीं भरा, मुझसे कहने लगा कि काउंटर दो। कहाँ है काउंटर, कहाँ है काउंटर? काउंटर कहाँ है, काउंटर कहाँ है, जवाब कहाँ है? काएं काएं करना बंद कर दे कौवे की तरह, ये रहा जवाब। बस एक चीज कहूंगा, विक्टिम कार्ड मत खेलियो इस वीडियो को देखने के बाद, रोना धोना नहीं चलेगा। पहले भी तू टीवी पर बहुत रोया। लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला है, हमारे ध्रुव भाई को एंटी नेशनल्स में इतना इंटरेस्ट क्यों है, करने को कोई कुछ भी कर सकता है, पर इंसान कितना पागल होगा। लेकिन एल्विश जैसे सत्ता के चाटुकार का मुंह बिल्कुल बंद था मणिपुर जैसे इशू पर, और फिर कहता है कि मैं तो बड़ा नेशनलिस्ट हूँ। हम तो भैया देश प्रेमी है खूब, अब हमें कुछ भी कह लो देश प्रेम हमारे अंदर भरा है, यहाँ पूरा पूरे शरीर में देश प्रेम भरा है। कुछ शर्म आती है तुझे या नहीं? रिसेंटली तुझसे नीट एग्जाम के बारे में पूछा गया तो तेरे मुंह में छाले पड़ गए, दांत दिखाकर हंसने लगा। गवर्नमेंट नीट एग्जाम, डॉक्टर्स के एग्जाम के पेपर लीक हुए, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि एल्विश एल्विश मुनावर और तू चाहता है कि बाकी लोग भी तेरी तरह किसी सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पर बोले ही ना कुछ? क्या तू अपने फैंस और व्यूअर्स को बिल्कुल ही बेवकूफ मानता है कि कुछ भी बचकाना बात वो हजम कर लेंगे तेरी? एल्विश को ये अंदेशा तो जरूर था कि ऐसी बचकाना बातों पर लोग यकीन नहीं करेंगे, इसलिए एक और पैंतरा खेला इसने। हर्ष मंदर के साथ मेरा कनेक्शन जोड़ने की कोशिश में ये आदिल अमन को बीच में ले आया, कहने लगा कि आदिल अमन एक्चुअली में अब जर्मनी में रहता है और हर्ष मंदर के साथ काम करता है। सबसे अच्छी बात ये कि हमारे आदिल अमन भाई भी जर्मनी शिफ्ट हो चुके हैं और 2019 से कारवाए मोहब्बत नाम की एक एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए इसने एक फेसबुक प्रोफाइल दिखाई पीछे प्रूफ के तौर पर, और जानते हो क्या दोस्तों,
ये किसी और आदिल अमन की फेसबुक प्रोफाइल थी। लिटरली यहाँ पर दो अलग अलग इंसानों की बात करी जा रही थी। या तो ये खुद इतना बेवकूफ है कि इसने चेक भी नहीं किया कि यहाँ पर किसका फेसबुक प्रोफाइल दिखा रहा है, या फिर ये सही मायनों में अपने व्यूअर्स को बेवकूफ समझता है। वैसे मुझे तो लगता है ये खुद ही इतना बेवकूफ है क्योंकि इसने ये भी नहीं नोटिस किया कि ये वाला जो आदिल अमन था जो मेरे फेसबुक ग्रुप में था उसके नाम की स्पेलिंग अलग थी और इस वाले आदिल अमन के नाम की स्पेलिंग अलग है। ये नहीं सोचा इसने कि सेम इंसान कैसे हो सकते हैं। ये जो दूसरा वाला आदिल अमन है इसकी ये फेसबुक पोस्ट देखिए। 1 जून 2024 की शाम को मुझे दोस्तों ने बताया कि मेरा नाम एक फेसबुक प्रोफाइल एल्विश यादव नाम के यूट्यूबर द्वारा मिसयूज किया जा रहा है। एल्विश जो अभी जमानत से बाहर है उसके यूट्यूब पर 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और इंस्टाग्राम पर 16 मिलियन फॉलोअर्स। मैं एक रिसर्चर हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ ग्योटिंगन में मास्टर्स कर रहा हूँ। मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी या उनके स्टूडेंट विंग से कोई भी एफिलिएशन नहीं है, जैसा कि एल्विश ने अपने वीडियो में दावा किया। वीडियो से ही ये क्लियर है कि एल्विश ने जिस कॉमेंट की बात की है वो मैंने नहीं किया और मेरी फेसबुक प्रोफाइल का इस्तेमाल किया गया मेरे फॉर्मर एम्प्लॉयर हर्ष मंदर और ध्रुव राठी के बीच लिंक दिखाने के लिए। इस जानबूझकर की गई डिफेमेशन मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से एल्विश के फॉलोअर्स ने गालियों वाले मैसेजेस मेरे फेसबुक इनबॉक्स में भर दिए हैं, मुझे और मेरे परिवार को चोट पहुंचाने की धमकियां दी हैं। ट्विटर पर भी मैंने देखा कि इस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से मेरी गिरफ्तारी की डिमांड करने लगे हैं लोग। अबे बेवकूफ एल्विश, तेरी वजह से कोई निर्दोष आदमी को वहां गालियां मिल रही हैं, शर्म आती है कि नहीं तुझे? आगे देखिए क्या लिखा है। मेरे वकील ने 3 जून को एल्विश यादव को एक लीगल नोटिस भेजा ये बताते हुए कि जो कमेंट उसने मुझे एट्रिब्यूट किए हैं वो कमेंट मैंने किए ही नहीं और ना ही मैंने किसी प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया है। हमने उसे 3 दिन दिए थे वीडियो हटाने के लिए और एक क्लैरिफिकेशन इशू करने के लिए। 3 दिन बीत चुके हैं और अब मैं एल्विश यादव के खिलाफ एक लीगल केस करूंगा मेरी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए और मेरे परिवार की सेफ्टी को थ्रेटन करने के लिए। इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था, रोना मत एल्विश, जो तू बकवास करता है उसका एक्चुअली में किसी की लाइफ पर असर पड़ता है। ऑलरेडी तेरे ऊपर इतने सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जमानत पर तू बाहर है और फिर वीडियो में ऐसी आकर बकवास करता है कि और तेरे ऊपर कोर्ट केसेस आ जाए। एल्विश ने अपने वीडियो में कहा कि कोई भी आर्टिकल फार्टिकल दिखाकर किसी को भी कुछ भी साबित किया जा सकता है। मान लो कैमरामैन है, मुझे इसको गलत साबित करना है, मैं भाई कर दूंगा कैसे ना कैसे करके आर्टिकल पार्टिकल दिखा के। और यही चीज एग्जैक्टली एल्विश ने अपने वीडियो में करी। मैं पूछना चाहूंगा, जरा अपनी ऑडियंस को बता दे, ये सब जो तूने किया सिर्फ व्यूज और पैसे के लिए किया या फिर ऊपर से कोई पे भी कर रहा था तुझे? हर्ष मंदर की बात करते हुए इसने एक आर्टिकल दिखाया, एक लाइन को अंडरलाइन कर दिया कि मेरे माता पिता तांजानिया में ब्रिटिश पुलिस के लिए काम करते थे। अब इस आर्टिकल को देखो, यहां तो मंदर की बजाय सिंह लिखा है। इस आर्टिकल की ये लाइन को मैंने गूगल पर सर्च किया डबल कोट्स के साथ तो ये वाला आर्टिकल सामने आया। ये एक इंटरव्यू था कैप्टन हरमंदर सिंह के साथ जो कि एक बहादुर ऑफिसर थे। इनका जन्म साल 1926 तांजानिया में हुआ था और जब वो सिर्फ 33 साल के थे यानी कि 1959 में चाइना ने टिबेट पर अटैक कर दिया था। उस समय कैप्टन हरमंदर सिंह ने दलाई लामा को बचाकर भारत लाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। पद्म अवार्ड्स की सरकारी वेबसाइट पर हम देख सकते हैं कि इन्हें 1960 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अबे एल्विश, और कुछ नहीं तो कम से कम ऐसे बहादुर ऑफिसर का तो सम्मान कर लेता। माना कि तू अनपढ़ टाइप का है लेकिन क्या इतना भी पढ़ना नहीं आता कि हर्ष मंदर और हरमंदर सिंह में डिफरेंशिएट कर सके? और वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, हर्ष मंदर इन्हीं कैप्टन हरमंदर सिंह के बेटे हैं। यहां पर अगर हर्ष मंदर भी चाहें तो वो भी सीधा सीधा एल्विश के ऊपर डिफेमेशन का केस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की बेटी अमृत सिंह के खिलाफ जो तूने झूठ फैलाया है वो भी केस कर सकती है तेरे ऊपर। और तो और मैं भी केस कर सकता हूँ तेरे ऊपर डिफेमेशन का। मेरे लॉयर ने कहा कि जो भी तूने बकवास करी है इस वीडियो में वो सीधे तौर पर क्रिमिनल डिफेमेशन का केस बनता है। अगर ये सारे और केसेस कल को तेरे ऊपर हो गए तो फिर विक्टिम कार्ड मत खेलियो, मैंने पहले ही वॉर्न किया था इस वीडियो में। जितने फालतू के फर्जी लिंक्स एल्विश ने मेरे बनाने की कोशिश करी और लोगों के साथ, उससे सीधा कनेक्शन मैं इसका बना सकता हूँ। एल्विश ने अपने एक वीडियो में अखिलेश यादव को सपोर्ट दिखाया था।